ऑयल खाना बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है। ऑयल्स के बिना कुकिंग इम्पॉसिबल है, पर कौन सा ऑयल हेल्दी है जो रोज़ के कुकिंग के लिए सही रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे कि एवरीडे कुकिंग के लिए कौन सा ऑयल सही रहेगा। आजकल हर घर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ऑयल्स है रिफाइंड ऑयल, और ये ऑयल बहुत से वैरायटी में मार्केट में अवेलेबल है, जैसे रिफाइंड राइस ब्रैन ऑयल, रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, रिफाइंड वेजिटेबल्स ऑयल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर क्या आप जानते हैं कि कितना हार्मफुल है? रिफाइंड ऑयल एक मल्टी स्टेज प्रोसेस से होकर तैयार किया जाता है। सबसे पहले स्टेज में ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसे बहुत ही हाई हीट पे गर्म किया जाता है, जिससे सारे विटामिन्स और मिनरल्स नष्ट हो जाते हैं। सेकंड स्टेज में इसे फिर से लगभग 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है, ताकि इसमें से टेस्ट और स्मेल को रिमूव किया जा सके, जिससे तेल में मौजूद फैटी एसिड टूट जाते हैं और ट्रांस फैट में बदल जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक है। प्रोसेस यहाँ ख़त्म नहीं होता है दोस्तों। अब इसमें मिलाया जाता है प्रिजर्वेटिव्स, जिससे ऑयल्स की सेल्फ लाइफ बढ़ती है। इन सारे प्रोसेस के बाद हमें मिलता है एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड, जिसे हम कहते हैं रिफाइंड ऑयल। इसमें होता है ढेर सारा ट्रांस फैट, जो हार्ट डिजीज के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है ऑलिव ऑयल। क्या ऑलिव ऑयल हेल्दी होता है? यस, ऑलिव ऑयल हेल्दी होता है, पर इंडियन कुकिंग के लिए ये ऑयल सूटेबल नहीं है। इंडियन कुकिंग में फ्राइंग सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए ऑलिव ऑयल के न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो सकते हैं, और ऑलिव ऑयल थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है, इसलिए एवरीडे कुकिंग के लिए ऑलिव ऑयल सही नहीं रहेगा। तो हेल्दी ऑयल्स कौन सा है जो आपके एवरीडे कुकिंग में ऐड कर सकता है एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स और जो बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है? हेल्दी ऑयल्स है कोल्ड प्रेस, फूड प्रेस और कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल, सिसमी सीड्स ऑयल, कोकोनट ऑयल और ग्राउंडनट्स ऑयल। इन ऑयल्स को बिल्कुल भी गर्म नहीं किया जाता है, जिससे इसके न्यूट्रिएंट्स बने रहते हैं। इन ऑयल्स की सेल्फ लाइफ कम होती है, क्योंकि इनमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं मिलाया जाता। इन ऑयल्स को बेस्ट क्वालिटी सीड्स से बनाया जाता है, इसलिए ये ऑयल्स बेस्ट होते हैं एवरीडे कुकिंग के लिए, और इसमें खुशबू भी होती है। इन ऑयल्स की स्मोकिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे कि सेलो फ्राई, यहाँ तक कि डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल, जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूरेसिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण बहुत से कंट्री ने इसे बैन कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि यह हार्ट डिजीज़ के लिए ज़िम्मेदार है। पर इंडिया में बहुत सालों से इसे यूज़ किया जाता है, इवन पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी, और मॉडर्न रिसर्च ही कहता है कि ह्यूमन हार्ट पर ये कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालता है, और ये एक हार्ट हेल्दी ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल में होता है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड, जो हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस को कम करता है, और ये मार्केट में बहुत ही कम दाम में इजीली अवेलेबल है। कोकोनट ऑयल, जिसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत से रिफाइंड ऑयल कंपनियों का कहना था कि ये कोलेस्ट्रॉल की समस्या को बढ़ा सकता है, पर रिसर्च के अनुसार कोकोनट ऑयल में एक स्पेशल टाइप की मीडियम चेन फैटी एसिड पाया जाता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और मॉडर्न रिसर्च ये कहता है कि ये हेल्दीएस्ट ऑयल है एवरीडे कुकिंग के लिए। और एक चीज़ जो इंडियन कुकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, वो है घी, जिसे क्लेरिफाइड बटर भी कहते हैं। घी का स्मोकिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, इवन सारे ऑयल से ज़्यादा होता है, जिसमें सैलो फ्राई से लेकर डीप फ्राई तक कर सकते हैं। और एक बात शायद आप जानते हो कि ऑयल्स को आप रीयूज़ नहीं कर सकते, बट घी को रीयूज़ किया जा सकता है। घी थोड़ी सी ज़्यादा महंगी है, इसलिए एवरीडे कुकिंग के लिए यूज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर यदि संभव हो तो ये सबसे बेस्ट है। तो एवरीडे कुकिंग के लिए चारों ऑयल सबसे बेस्ट है, और घी भी। आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये ऑयल खाने के टेस्ट को बढ़ाता है, साथ ही हेल्थ पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालता है।
वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। वीडियो के एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।